नमस्कार, लव पैशन फॉर फूड में आपका स्वागत है। आज आपके साथ एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आपको जरूर से पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज हम बना रहे हैं दम अरवी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी। आइए शुरू करते हैं दम अरवी बनाना। अंदर तक इसको अच्छे से मसाला नहीं जाएगा और भुनेंगी नहीं, तो इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे क्रिस्प होने तक। हम अरवी का पैन पीछे की गैस पे रख रहे हैं, ये धीरे धीरे भुनती रहेंगी मीडियम फ्लेम पे। हम इतने में मसाला तैयार कर लेंगे अरवी के लिए। ये 4 चम्मच के करीब ऑयल है, ऑयल में 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच अजवाइन, 2 तेज पत्ते, 2 छोटी इलायची, 1 छोटी सी दालचीनी का पीस, 1/2 इंच ये करीब होगा, तो 10-12 काली मिर्च। चॉप मीडियम साइज के प्याज है, ठंडा गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। अभी अच्छे से ब्राउन हो गई, गोल्डन ब्राउन, जो हमने थोड़ा सा बेसन डाला था उसकी वजह से क्रिस्पी भी हो गई। गैस ऑफ करते हुए चाहिए गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच, इसको भी थोड़ा भूनेंगे। इसके लिए दम अरवी बनाने के लिए अच्छे से भुनाई होनी जरूरी है। अच्छे से हम भूनेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा और फ्लेवर आएगा। इसमें मसाले डालेंगे, ये 1/2 चम्मच हल्दी है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर है, और ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है जो 1/2 चम्मच ली है। ये इतनी स्पाइसी नहीं होती, बस कलर इसका बहुत अच्छा आएगा। इस मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे हल्के, नहीं तो जल जाएंगे मसाले। बस हल्का
सा भूनेंगे, ज्यादा नहीं। ये दो मीडियम साइज के टमाटर हैं जिनको मैंने मिक्सी में चला के रखा है, तो जिससे बहुत ज्यादा मोटे मोटे नहीं होंगे, फिर भुनाई में भी टाइम कम लगेगा और फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। और कवर करके मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए भुनना छोड़ेंगे, जिससे कि सारा जो ऑयल है वो इससे अलग होने लगेगा। ऑयल सेपरेट होने लगा है, नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि हमने पहले भी अभी में नमक डाला है, इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो ये फ्रेश दही ली है, खट्टी वाली दही नहीं, फ्रेश वाली ली, क्योंकि हमने टमाटर भी डाले थे, इसलिए आधी कटोरी के करीब ये दही डाला है। अब हम गैस हाई कर दिए हमने क्योंकि दही भी डाल दिया है, और पहले मसाले हमने मीडियम फ्लेम पे भूने थे, इससे जले भी नहीं और पूरा अच्छे से भून जाए टमाटर। विदाउट कवर किए हुए ऐसे ही हम भूनेंगे, जिससे दही अच्छे से भून जाएगा। और इसमें हमने टमाटर भी डाला है और दही भी डाली है, इसमें ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते तो मत डालिएगा। थोड़ी सी हाफ स्पून चीनी डाल रही हूँ, इससे खटास भी नहीं रहे और फ्लेवर और अच्छा। मसाला अच्छे से भून गया है, ऑयल देखिए सारा अलग होने लगा है। गाढ़ी सी ग्रेवी बन के तैयार है, बिल्कुल ढाबे स्टाइल, दम अरबी का मसाला। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसको दम होने के लिए हम अरबी को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और इससे मसाला जो अंदर तक अरबी के पहुंच जाएगा। दम अरबी बन के तैयार है, अच्छा कलर भी आया है। इस वक्त हम इसमें थोड़ा सा ये दो हरी मिर्ची डाली है मैंने, ये हाफ स्पून कस्तूरी मेथी है, साथ में थोड़ा सा इसमें मैं हरा धनिया भी डाल रही हूँ। फ्लेवर है वो अच्छे से मसाले में आ जाएगा। दमानी बनके तैयार है सर्व करने के लिए, इसको सर्व करते हैं। ये अच्छे से अंदर तक से गल गया, पूरा गल गया। जिससे मेरी नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।